नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल का स्किनर बनाया तो उसको आप लोग को दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संभव होगा तो कुछ इक्विटी का भी दिखाऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए, कुछ लेवल्स आएगा तो मैंने फाइल अपडेट कर लिया है, तो कुछ लेवल्स आएगा तो मैंने आज एक ही लेवल में आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें आप लोग देखते रहे, कुछ लेवल आएगा तो दिखेगा। थोड़ा सा देर हो गया है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही देर हो गया है, तब भी देखते हैं कुछ आता है क्या नहीं आता है। तो आप लोग को आज एक ही लेवल दिखाऊंगा, उस लेवल पे आएगा तो काम होगा, नहीं तो काम होगा मतलब उस लेवल आएगा तो आप लोग को दिखेगा। मैंने बहुत सारा लेवल्स बना के रखा हूँ और रोज दिखाता हूँ आप लोग को, तो उस लेवल आ जाएगा तो देखता है। आप लोग को ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाएगा, और ये उसका फाइल भी हैंड ओवर किया जाएगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग को जस्ट अपडेट करना है, लेकिन सीखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें क्या लेवल दिखा था एक बार देख लेता हूँ। 9206 के ऊपर बाइंग दिखा रहा है, वो 19,624 के ऊपर, और फ्यूचर 9,134, और बैंक निफ्टी 19,508, और रिवर्सल 45 डिग्री से देखना पड़ेगा, 19,309 से और 9,084 से। तो मैंने आज इस लेवल पे, ओनली इस लेवल पे के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा, उसका लेवल आएगा तो ये है वोलेटिलिटी बेस्ड हाईली प्रोबेबल लेवल्स, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ये 9233 के ऊपर बाइंग दिखा रहा है, 9233 के ऊपर बाइंग दिखा रहा है, और सेलिंग दिखा रहा है 9233, आप लोग को बोल देता हूँ 9233 है इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी इंडेक्स का, और बैंक निफ्टी इंडेक्स का 19,764, और फ्यूचर 9,186, और 19,650, ठीक है। और सेलिंग आएगा, मैंने फ्यूचर को पकड़ के ही करता हूँ, 9,145 के नीचे फ्यूचर का सेलिंग होगा, और 19,488 के 19,488 का नीचे बैंक निफ्टी का सेलिंग होगा। अच्छा, और एक चीज़ मैंने एक बार दिखाना चाहता हूँ, रिलायंस को एक बार देखता है इक्विटी भी, रिलायंस का करंट प्राइस एक बार बैठा लेता है। तो देखिए 9,000 ना, ये तो ये पानी ये नीचे आ रहा है, फ्यूचर का जो है, अपने रिलायंस का मैंने बैठा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। रिलायंस का 1440 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, रिलायंस का 1440 अरे यार, रिलायंस कहाँ गया, 1440 ठीक है। इसका हाई लो शायद ब्रेक नहीं हुआ, उसका नहीं ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसका भी आप लोग देख लीजिए एक बार, बाय सेल लेवल कहाँ पर आता है। हम लोग शायद नोट कर लिया है फ्यूचर और इंडेक्स का बाय सेल लेवल, ठीक है।
उसके बाद तो देखते हैं, इस इन द मीन टाइम थोड़ा सा अपडेट करना पड़ सकता है, तो आज करते होंगे, आज करते होंगे। इस टाइम कुछ लेवल आ जाएगा तो आप लोग जरूर देखेंगे। रिलायंस का चौदह सौ 37 तो हो गया है, 1446 के ऊपर बाई होगा, ठीक है, 1446.80890, सोच लीजिए 1447 के ऊपर बाई होगा और सेलिंग होगा, 1447 के ऊपर बाइंग और सेलिंग होगा 1417 के नीचे, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हो रहा है, 9145, 19488 आया है कि नहीं आया है देखना पड़ेगा, नहीं आया अभी तक। और बाइंग बाइंग का साइड में है, बाइंग का साइड में 9186, ठीक है, और 19650। रिलायंस भी देखते हैं, इधर ही है रिलायंस, ये 1447 के ऊपर बाई होगा, मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, देखता है नीचे जाता है क्या नहीं जाता है। थोड़ा सा नीचे गया था, उसके बाद थोड़ा सा फिर से रिट्रेस करने का कोशिश किया, उसके बाद फिर से नीचे ही दिखा रहा है, मैंने लेकर ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, देखता है। रिलायंस 1417 शायद इतना लेवल पे नहीं आएगा, नीचे वाला लेवल क्या करेगा, नीचे देखना पड़ेगा 1417। लेट हो चुका हूँ तो करेगा तो अभी इसके अंदर देखना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है, अप डाउन कर रहा है, इधर से जो है ये डाउन भी आना चाहिए, डाउन में आना चाहिए, लेकिन अब जाने का कोशिश कर रहा है। एक मिनट, मैंने चार्ट को 5 मिनट कर लेता हूँ, पांच मिनट में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, चार्ट में थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, हाँ इसीलिए मैंने ऊँचो बोला था, बाई का लेवल 9185 86 पकड़ सकता है, उसके ऊपर ये ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है, लगता है ये रेंज बाउंड रह जाएगा, देखता है तब भी लेवल आज नहीं मिलेगा, दूसरा लेवल देख सकते हैं, दूसरा लेवल भी देख सकते हैं, दूसरा लेवल में क्या दिखा रहा है,
चलिए, मैंने आज एक ही लेवल आप लोग को दिखाना चाहता था कि किसी भी लेवल आप लोग को काम करेगा। दूसरा लेवल क्या बोल रहा है, 9000, वो और भी नीचे दिखा रहा है, 9113, 9113 के नीचे दिखा रहा है। तो वही लेवल ठीक है, 9145 का लेवल हम लोग का ठीक रहेगा। फिबोनाची क्या बता रहा है, फिबोनाची लेवल भी 9146 बता रहा है, तो हम लोग का लेवल 9145 है, ठीक ही है। और इलियट वेब का 9186 से ऊपर जाएगा, लेकिन 43 के नीचे 9020 से ये ऊपर जाएगा, 20 से नीचे 186, मतलब 186 इसका बाई का लेवल है। 9143 से देखिए, ये भी इलियट वेब जो है वो भी 9143 के नीचे जब जाएगा तो इसका 9050 में सेलिंग आएगा। तो लेवल हम लोग का ठीक ही है, अभी आता है क्या नहीं आता है वो मार्केट का ऊपर है, लेकिन हम लोग उसका मार्केट का मूवमेंट को पकड़ के प्रॉफिट कर सकता है, मार्केट का मूवमेंट को हम लोग ट्रैक कर सकता है, लेकिन मॉनिटर तो नहीं कर सकता है। लेवल आएगा तो ट्रेड होगा, हम लोग को भी दिखाया जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करें, कुछ करने का नहीं। साइडवेज चल रहा है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, नेट भी काट हो जा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का लग गया, लेकिन बैंक निफ्टी 19488 से बैंक निफ्टी का लेवल था, आप लोग को दिखाया था, इसका लेवल आ चुका है, इधर 19468 आ गया। देखिए 465 टारगेट, इसका टारगेट क्या है, टारगेट है 407, देखना पड़ेगा टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका अभी तक आया नहीं है, 1437 के नीचे एक सेल हो सकता था, लेकिन 1417 इसका लेवल है रिलायंस का, 1437 का नीचे भी एक लेवल था। को अनिफ्टी को अनिफ्टी को अनिफ्टी को अनिफ्टी का लेवल अभी तक आया नहीं। 88 से 19408 तक आ सकता है, देखना पड़ेगा। मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवाइज मूवमेंट देने वाला है, इतना आसानी से जब मतलब बड़ा बड़ा मूवमेंट अभी नहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 58 तक आया था 30 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिया विक्स का जो वोलेटिलिटी है वो चला गया, ये हम लोग के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जितना मार्केट में वोलेटिलिटी कम जाएगा तो हम लोग ऑप्शन प्राइस वगैरह अफोर्डेबल आ जाएगा, और मार्केट का भी एक सही दिशा पकड़ने के लिए सुविधा होगा। मार्केट का सही दिशा पकड़ने के लिए सुविधा होगा। निफ्टी नज़दीक आ रहा है 45 का, नीचे जाएगा तो जाएगा नीचे,
रिलायंस भी गिर रहा है, 1417 37 के नीचे एक लेवल था, 17 का नीचे आएगा क्या नहीं देखना पड़ेगा। निफ्टी आ जाएगा तो शायद हो सकता है 45 के नीचे। निफ्टी बैंक निफ्टी तो 458 तक आ चुका था, उसके बाद थोड़ा सा फिर से रिटेस्ट किया, देखते हैं निफ्टी एक बार 45 के नीचे आ जाए तो। ना अभी तक 45 के नीचे गया नहीं, अभी तक गया नहीं, बहुत उधर मतलब जबरदस्त सपोर्ट बना के रखा है, टूट नहीं रहा है, उधर से फिर से रिट्रेस हो जा रहा है, टच करके फिर से रिट्रेस हो जा रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने आना जरूरी है। इधर क्या बोल रहा है, आदमी लोग सेलिंग या बाई कर रहा है, आदमी लोग फिर से बाई कर रहा है, देखते हैं इसका इससे ऊपर चला गया। निफ्टी का लेवल आया नहीं है, बैंक निफ्टी इतना तक आया था, क्या बोल रहा है, 658 तक आया था, देखते हैं अभी भी टाइम है आधा घंटा तक लगभग, देखना पड़ेगा। तो है नीचे जाने का, लेकिन 5 मिनट में एक 5 मिनट में एक कैंडल बना है, देखना पड़ेगा, 5 मिनट में एक रेड कैंडल बना है, नीचे खींच के ला सकता है उसको। पांच मिनट में थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी 1417 का आसपास, 1718 चल रहा है, मेरा नेट रुक गया है शायद, नेट नहीं चल रहा, ओ ऑफिस से आया है, ये 45 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो जबरदस्त सपोर्ट बना के रखा है, ये भी 18 के ऊपर चला गया, बजने जा रहा है, फिर से वो जा रहा है, तो रिवर्सल आया है, लगता है नीचे जाएगा, रिवर्सल करना है, 15 मिनट में तो नीचे ही है, 5 मिनट में इसका रिवर्सल कैंडल होना है, देखते हैं आ जाएगा शायद,
सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, सेलिंग प्रेशर आ जाएगा तो इसका आ जाएगा। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जबरदस्त एक मैग्निटी 30 पॉइंट आया था, उसके बाद 12-15 पॉइंट ऊपर गया है। बहुत जबरदस्त ये सपोर्ट लेके बैठा है, देखना पड़ेगा। नहीं टूटेगा तो क्या करेगा, कुछ करने का नहीं, लेकिन होना चाहिए। 5 मिनट में रिवर्सल कैंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में चला जा रहा है। एक 82-16 हो गया है, लगभग 30 पॉइंट ऊपर गया है। 30 पॉइंट बोलेगा ऊपर का लेवल तो बहुत ही हाई है, नहीं जा पाएगा। मार्केट साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मार्केट में वोलेटिलिटी कम गया है तो ये मेरे हम लोग के लिए अच्छा है। इतना सारा वोलेटिलिटी में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक 45 का नीचे नहीं आ रहा है, बहुत अभी आया है, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सिग्निफिकेंटली क्रॉस नहीं कर पाया, जस्ट मार्जिनली क्रॉस किया है, देखना पड़ेगा फिर। होपफुली जाएगा, थर्टी सेवन। टारगेट कितना है भाई, 10 लाख को दिखा दे। टारगेट 9125 है, 37 आया है। आप लोग ट्रेल कर सकता है, 10 पॉइंट निफ्टी में कुछ कमी नहीं है। इसके बाद आप लोग ट्रेल भी कर सकता है, ट्रेल करके टारगेट के लिए बैठ सकता है। सोच लीजिए 4 लॉट 5 लॉट लिया मैंने, एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 लॉट का प्रॉफिट बुक करके आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट 45 तक, 32, 31, 30, 29, 28, तो लगभग टारगेटिंग हो जाएगा, हो गया है 25 से 28। मैग्निटी फिर से नीचे आ रहा है, रस्ते ही आप लोग को पूरा चाहिए कि रुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरा टारगेट के लिए बैठा बैठे रहना कुछ वॉइस कम नहीं है इंटरनेट में, आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग सेशन मेरे को अटेंड करेंगे तो आप लोग को भी सिखा दूंगा ये लेवल्स कैसे निकलता है और ये चार्ट का सेटअप्स। ये चार्ट का जो मैंने देख रहा हूँ अभी, तो ये तो आप लोग को मैंने दे ही दिया है
स्ट्रैटेजी में आपका वो गन मूविंग एवरेज वाला जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं उसको, और आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, इसका आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें आप लोग को, मैंने भी चाहता हूँ, मैं मेहनत करके सीखा हूँ तो इसीलिए मैंने चाहता हूँ कि कम प्राइस में मिल जाएगा। ये सब ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग को दूसरे जगह पे बहुत ही खर्चा करना पड़ेगा। आप लोग फॉल्स टिप्स भी मेरे को इधर बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को अफोर्डेबल में जो आप लोग को प्रेशर नहीं आएगा तो दूसरे जगह आप लोग देख सकते हैं कंपेयर करके, उसके बाद फिर से देख सकते हैं। और मेरा एक्यूरेसी ये देखिए रिलायंस का 1417 से 1412 हो गया है, रिलायंस में 11 हो गया है, कुछ कमी नहीं है, 5-7 पॉइंट रिलायंस का इंटरडे में, तब भी ये लास्ट आवर में लास्ट सेशन में 27-26 चल रहा है, लगभग टारगेट लग गया है। एंड आई नो दैट यू विल ऑल्सो एग्री विथ मी, 26 हो गया, 25 टारगेट है, का नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, पहले 25 आने दीजिए उसके बाद देखेंगे। तब भी अब को एक बार देखिए रिलायंस 1410 हो गया है, नेक्स्ट टारगेट आएगा 9104, और रिलायंस को भी एक बार देख लेते हैं, रिलायंस कहाँ आ गया, 1417 से 1407 तक आने का टारगेट है, तो 1410 हुआ है तो 7 आया नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। को नीचे नहीं आ रहा है, 74 को टच कर रहा है, 74 लग नहीं कर पा रहा है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है, ये अच्छी है, ये 1410 तक आया था, 1410 तक आया था, इससे ये कॉस्ट कॉस्ट हो गया है, ठीक है, 1407 पॉइंट भी कुछ खराब नहीं है। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, तो मेरा वीडियो यही ख़त्म करता है। मैं भी एक छोटा मोटा पोजीशन लेके रखा हूँ, उसको भी प्रॉफिट बुक करते हैं। देखिए 1470 में मैंने लिया था, तो अभी 1410 पॉइंट में चल रहा है, तो 74 वाला स्टॉक्स में कितना, 60 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, कुछ खराबी नहीं है, अब लोग क्या बोलता है। तो इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, और लास्ट पॉइंट और कितना दिखाएगा, और मेरा वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम आ जाएगा। अरे यार प्रॉब्लम है ये सब वगैरह, तो इसमें नेट चला गया,
पता हूँ, मेरा टेस्ट करना नहीं करना आप लोग को दिखाना ही मेरा से ज़्यादा काम होता है। अभी छोटा मोटा एक लगाता हूँ, करने से अच्छा लगता है इसलिए। तो आप लोग ट्रेनिंग के बारे में या सोचेंगे, मैंने तो दिखा के जाता हूँ, यही मेरा काम है।